students, now after Lewis structure, let's come to the another point, chemical bonding. Lewis structure हमने पहले इसलिए किया क्योंकि Lewis structure से हम किस टाइप के chemical bond form होते हैं वो सीख सकते हैं, है ना? तो bond formation सीखने के लिए मतलब molecules जो है वो यानी atom combine होके कैसे molecule बना रहे हैं उसके लिए केमिकल बॉन्डिंग होता है, और वो केमिकल बॉन्डिंग कितने टाइप का होता है, कैसे होता है, वो हमको अगर कंसेप्ट समझना है तो हमको पहले लुईस स्ट्रक्चर देखना पड़ता था, इसलिए हमने लुईस स्ट्रक्चर स्टडी किया था. और व्हाट लुईस स्ट्रक्चर एग्जैक्टली इज, दे आर मतलब इट इज इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर विद आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. कोई भी एटम है उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ उसको डिनोट करना लुईस स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, नाउ दो पॉइंट्स आपको याद रखने, एक तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मींस लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, एंड सेकेंडली ऑक्टेट. ठीक है, ये हमको पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर से कि एवरी एटम नीड्स 8 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट फॉर दैट इज नोन एज ऑक्टेट, एंड फॉर स्टेबिलाईजेशन, स्टेबिलिटी के लिए हर एटम जो है वो अपने लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स करना चाहता है. ठीक है, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के लिए ही केमिकल बॉन्डिंग होती है. और जिनके पास एक ही ऑर्बिट है, जैसे हाइड्रोजन उसके पास एक ही ऑर्बिट है, हीलियम तो उसके पास भी एक ही ऑर्बिट है, उनके उनको न्यूक्लियस के सबसे पास एक ही ऑर्बिट है उनके पास, तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए उनको, 2 इलेक्ट्रॉन से ही उनका स्टेबिलाईजेशन आ जाता है, तो उनको बोलते हैं ड्यूअल क्लोज कॉन्फ़िगरेशन. ये जो ऑक्टेट होता है इसका एक दूसरा नेम भी है, क्लोज्ड शेल कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, अब ये आपको वर्ड मिलेगा बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक में, क्लोज्ड शेल कॉन्फ़िगरेशन. इसका मतलब क्या है कि शेल जो है वो क्लोज्ड हो गया है, मींस वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, अब जो एटम है वो स्टेबल है, इनर्ट गैस की तरह स्टेबल हो गया, तो वो अब और किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहता है. ठीक है, एंड फॉर दिस कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड. अब ये टू पॉइंट्स हमने लर्न किए, लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्टेट, इनसे हम आते हैं केमिकल बॉन्डिंग पे. मींस एटम्स जो है वो दो तरह से कंबाइन हो सकते हैं, यानी दो तरह से ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर सकते हैं, आइदर ऑफ लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन, है ना, या तो वो लूज करे या गेन करे, यानी पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म हो जाए तो उनके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे. दूसरा मेथड है शेयरिंग का मेथड, है ना, अगर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं तो वो विथ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक पेयर में दो इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम, तो बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, तो उसको बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और वो एक शेयर्ड शेयरिंग वाली जो बॉन्ड की कैटेगरी होती है वो अलग कैटेगरी होती है. तो हम दोनों टाइप के बॉन्ड स्टडी करते हैं. पहले हम करते हैं आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एज द नेम सजेस्ट, है ना, यहां पर आयन्स बनते हैं. आयन्स मतलब आपको पता है आफ्टर लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनते हैं, कैटायन और एनायन, अगर उनके बीच में बॉन्डिंग होती है तो उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड. और इसका सबसे इजी एग्जांपल हम देखते हैं सोडियम एंड क्लोराइड के बीच में, क्लोरीन के बीच में NaCl, है ना, सिंपल एग्जांपल है. चलो अब इसका देखते हैं, जैसे सोडियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 281, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन इट विल फॉर्म Na+ एंड लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन. अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, 28, फाइन. और क्लोरीन का देखो, क्लोरीन कितना होता है, 287, है ना, और इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको सोडियम से मिल जाए तो ये हो जाएगा क्लोरीन माइनस, दैट इज 288, फाइन. तो अब हमारे पास सोडियम है Na+ जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 28, और क्लोरीन है 288, यानी क्लोराइड आयन है 288, यानी ये दोनों जो बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि आयन्स हैं और बॉन्ड बनाएंगे, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड. ठीक है, दैट मींस सोडियम
लूजेस वन इलेक्ट्रॉन, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसको गेन करने वाला कौन, एक इलेक्ट्रॉन की जिसको रिक्वायरमेंट है वो गेन करने वाला हो सकता है। तो वो सोडियम की एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट किसको होती है, जिनके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो उसके साथ सोडियम इजीली बॉन्ड बनाएगा। तो दिस वन इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड बाय क्लोरीन एंड फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड टेक प्लेस। ठीक है, ये तो हमने आयनिक स्ट्रक्चर से इसको एक्सप्लेन किया। अगर हम इसको लुईस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करते हैं तो कैसा होगा, देखो यही जो बॉन्ड फॉर्मेशन है हम लुईस स्ट्रक्चर से स्टडी कर सकते हैं। तो लुईस स्ट्रक्चर में आपको पता है सोडियम के पास आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है ना। अब देखो क्लोरीन और सोडियम दोनों को आप एक सिंबल से रिप्रेजेंट नहीं करोगे, अगर आपने सोडियम को डॉट कर दिया है ना, हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन को हम डॉट और एस्ट्रिक साइन दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सोडियम को डॉट कर दो और क्लोरीन को कर दो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन लिखने की टेंडेंसी, मतलब लिखने का जो मेथड है, आप ऐसा रखो जो इजी लगे, जैसे ये 3 मैंने इस साइड बना दिए और 2 इधर और 2, यानी पेयर पेयर बनाया 3 के पेयर में 2 के पेयर में। तो वो अगर आप स्कैटर्ड बनाओगे तो आपको अलग जो आया हुआ इलेक्ट्रॉन है वो क्लियर नहीं होगा। तो अब देखो यहाँ पर इसको 7 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 एंड 7, सॉरी इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो हो गए वो 2, 2, 8 और 7। तो हमने 7 को लुईस स्ट्रक्चर से डिनोट कर दिया और ये 2, 8 और 1। ठीक है, अब हम जब आयनिक बॉन्ड एक्सप्लेन करते हैं तो उसको ऐसे ये एरो बना देते हैं। एरो का मतलब क्या है, इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन। नाउ व्हाट विल फॉर्म, Na ऐसा हो जाएगा और जो दोनों के बीच में जो दोनों के साथ जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी होगी, सोडियम क्लोरीन, सोडियम को +1 और जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने रिलीज किया था वो लूज किया था वो क्लोरीन के पास आ गया। तो मैंने ये डॉट क्लोरीन के पास बना दिया। अब इसको हम लिखेंगे 2, 8 एंड इसको लिखेंगे 2, 8, 8 और ये हो गया माइनस। ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर में प्लस और माइनस कहीं किसी बुक में दिया हुआ हो, किसी नहीं दिया हुआ, अगर लिखते हो तो भी करेक्ट है, नहीं तो भी करेक्ट है। मीन्स हमने आयनिक बॉन्ड को ऐसे एक्सप्लेन कर दिया कि एक लूज कर रहा है और एक ये गेन कर रहा है। अब एक एग्जांपल मैं और आपको बताऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको फॉर्मूलाज दूंगी और आप उनके खुद ही ट्राई करोगे लुईस स्ट्रक्चर कैसे होंगे। सपोज करो आपको कोई ऐसा बोले कि Mg मैग्नीशियम एंड क्लोरीन इनके बीच में कैसा आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो आपको उसको लुईस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करना है, वेरी इजी इट इज। सबसे पहले मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और क्लोरीन के कितने, 2, 8, 7। अब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है, ऑक्टेट उसको कंप्लीट करना है, तो है ना, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला कौन होगा, क्लोरीन है यहाँ पर, लेकिन क्लोरीन को तो एक ही रिक्वायरमेंट है, तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरीन आएंगे एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। दैट मीन्स Mg के साथ अगर क्लोरीन का बॉन्डिंग होना है तो वो बनेगा MgCl2। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे और उनमें जनरली क्या दिया हुआ होता है, x और y की फॉर्म में, कि वन एटम x हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और 7 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इट विल फॉर्म बॉन्ड विद अनदर b एटम हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन, व्हाट विल बी द फॉर्मूला। तो आपको ये देखना है कि मैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला होना चाहिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है गेन करने वाले को तो वो 2 एटम अटैच होंगे। चलो अब इसका लुईस स्ट्रक्चर देखते हैं। Mg आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2, क्लोरीन हर एटम को 2 इलेक्ट्रॉन, 8 एटम, 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो देखो ये मैं 6, 3, 4, 5, 6, 7, 3 डॉट मैंने बनाया और मैग्नीशियम को एस्ट्रिक बनाया, तो हम ये कैसे डिनोट करेंगे, ये फाइन। तो Mg कितना हो गया, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके बनेगा है ना, Mg कितना हो गया +2 और उसके साथ क्लोरीन कितने हैं, 2 क्लोरीन माइनस, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा है ना, हम फॉर्मूला प्लस माइनस के अकॉर्डिंग, ऐसे क्लोरीन कितने हैं 2,
दोनों का देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको चला गया, ये भी 288 हो गया और ये भी 288 हो गया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बन गया MgCl2, है ना। तो अगर आपके पास, आपको ये पता है कि आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने हैं, कैसे हैं, तो आप ये पता कर सकते हो कि कितने पॉजिटिव चार्जेस बनेंगे और कितने नेगेटिव चार्ज बनेंगे। एक और एग्जांपल है, उसके बाद आप सारी एक्सरसाइज के एग्जांपल कर सकते हो। मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। सपोज करो हमको ये देखना है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्डिंग होगा, ठीक है। क्योंकि हम अभी पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहे हैं, इसलिए हम अभी ऐसे ही बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं जिसमें लूज और गेन होते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली अब आप देखो यहाँ पर मैग्नीशियम का कितना है 282 और ऑक्सीजन का कितना है 26। तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में बना दो 2। यहीं पर क्लियर हो रहा है कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और वो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये बनेगा Mg+2 एंड O-2, ठीक है। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एटम्स अटैच होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो 2 एटम आएंगे, 3 हो रहे हैं तो 3। इसी कंसेप्ट को लेकर अब आपको फॉर्मूला डिजाइन करने हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है। फिर आप ट्राई करो Na2O। अब मैंने यहां पर Na2O पहले ही लिख दिया, तो आपको ये लगेगा क्योंकि ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2, और अगर सोडियम को अटैच होना है तो सोडियम के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है लूज करने के लिए, तो वहां पर 2 एटम्स लाने पड़ेंगे। तो 2 एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे और ऑक्सीजन को 2 मिल जाएंगे, ठीक है। तो Na2 का ट्राई करोगे आप, है ना। फिर आप कैल्शियम ऑक्साइड का सेम, पहले आयंस फॉर्म करोगे, फिर आप लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, उसके बाद आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया है। अगर हम ऐसे क्वेश्चन लेते हैं कि आपको एटम्स दिए हुए हैं, आपको उनके बीच में रिलेशनशिप बताना है, ठीक है। तो मैं एटम दे देती हूँ, सपोज करो मैंने एटम दिया है HNCl, ठीक है। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का मैंने आपको इसके बीच में बॉन्डिंग बतानी है, या फिर अगर थोड़ा सा ये एक एग्जांपल आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है तो हम ले लेंगे, आपको बताना है पोटेशियम और क्लोरीन के बीच में कैसा बॉन्डिंग होगा, फिर पोटेशियम एंड ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्डिंग होगा, मतलब आपको फॉर्मूला भी बताना है, लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कितने कैसे आयंस बनते हैं वो भी बताना है। फिर आप बता सकते हो पोटेशियम एंड क्लोरीन हो गया, पोटेशियम और ऑक्सीजन हो गया, और कैल्शियम एंड क्लोरीन, ये तीन आप प्रैक्टिस करोगे और ये आप लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे विद आयंस, ओके। सो स्टूडेंट्स, हमने आज आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन किया है। आयनिक बॉन्ड मीन्स आफ्टर लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म इज आयनिक बॉन्ड, ठीक है। फिर हम आगे जो करेंगे वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, नेक्स्ट सेशन में हम वो डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको ये प्रैक्टिस करना है ना, लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, आयंस कैसे बनेंगे वो बताना, और उसके बाद फॉर्मूला कैसा निकल के आता है वो देखना है, ओके। थैंक यू।